हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओला ने काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशान करके रखा है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है काफ़ी सारे लोगों को। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, जिससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसमें जो मैंने लिया है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसके बारे में 40 से 50 में से सवाल इसमें दिखाने वाला हूं, जिसका जवाब भी आपको साथ ही साथ इसमें देने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो लोगों ने बुक कर लिया है और रिजर्व भी कर लिया 20,000-25,000 दे के, पेमेंट दे के, तो वो आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं उसका लाइव प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको इसमें एक लाइव कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा जिसमें हमने बात किया है ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो कंपनी है उनसे कि कैसे क्या कुछ आपको प्रोसेस देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे एक और नया अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को, जैसे 15 सितंबर और 16 सितंबर को इन्होंने जब परचेजिंग स्टार्ट किया था तो काफ़ी लोगों ने पेमेंट किया है, बट उनका जो पेमेंट है वो ओला के पास नहीं गया है और उनका पेमेंट जो है वो कट भी चुका है और इनके अकाउंट में वापस भी नहीं आया है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले। ये भी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों में से, आप लोगों में से कमेंट भी आया हुआ है और आपने मुझे फ़ोन भी करके ये जानकारी दी है, इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, मतलब 20,000 रुपये तभी कंपनी ले रही, अगर आपने 20,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है तो आपको कैसे कैंसिल करना है। तो चलिए आपको वो मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने और एक चीज़ आपसे बोलना भूल गया, यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो फाइनेंस EMI का है वो सारी चीज़ें भी इसमें वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले ओला की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जो सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कस्टमर सपोर्ट का एक पॉपअप टाइप का खुला हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये खुलने के बाद आगे का प्रोसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये कंप्यूटर राइज है, मतलब पहले से ही सेट किया हुआ है, बोर्ड की तरफ से ये रिप्लाई है तभी इतना फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं इसमें से किसी पे भी नहीं जाना है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं जैसे टेस्ट राइड वगैरह सब चीज़ें। यहाँ पर आपको अदर्स पर क्लिक कर देना है। अदर्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद उधर से फिर से बोर्ड के थ्रू रिप्लाई आएगा। यहाँ पर आपको एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो एक्सचेंज का ऑप्शन है, किसी किसी में आपको कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, मेरे में यहाँ एक्सचेंज कर रहा, हर बार कुछ नया चेंज हो सकता है, बाकी एक्सचेंज और कस्टमर सपोर्ट ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे शो होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो रिसीव कॉल बैक और ईमेल के थ्रू आपको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप सजेस्ट आपको कर रहा हूँ कि आप कॉल बैक कीजिए क्योंकि कॉल बैक में आपको बात करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आप अच्छे से बात कर पाएंगे। मेल में जो है वो कब मेल भेजेंगे, फिर आप कब रिप्लाई करेंगे, फिर उधर से कब रिप्लाई आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप रिसीव कॉल बैक का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। जो डिटेल्स आपको वही डालना है जो आपने जिससे रजिस्टर किया है, साइन इन किया है और परचेज और बुक किया है, सब चीज़ में जो नंबर था वही नंबर आपको इसमें डालना होगा। और यहाँ से आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर डाल के सेंड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, यू विल रिसीव अ कॉल बैक सून। यहाँ पे आपको कॉल बैक का ऑप्शन आ जाता है जहाँ से कंपनी आपको कॉल बैक करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जहाँ तक कि है मैंने 2-4 दोस्तों से बात किया है, उनको 100% कॉल मिला हुआ है, कॉल बैक हुआ है। बट कुछ ऐसे भी कस्टमर है, जैसे काफ़ी सारे आप लोग में से मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास अभी तक कॉल बैक नहीं आया, 2-4 दिन हो गया है, उन्होंने काफ़ी ट्वीट भी किया है। तो अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जहाँ तक है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आ जाएगा। अब मान के चलिए कि 6 लाख लोग हैं तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, कंपनी के पास अभी इतना मैन पावर, उतना बिल्डअप इन्होंने अभी नहीं किया, अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो कॉल बैक के बाद आने के बाद जो मेरा कॉल रिकॉर्डिंग आप ये सुन सकते हैं कि कैसे आप इसमें रिफ़ंड होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका जो ये रिफ़ंड का है वहाँ से कंपनी को आपका जो ईमेल आईडी है और जो फ़ोन नंबर से आपने किया है, जिस बैंक अकाउंट से किया है, वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जो है वहाँ से आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से आपका कटा हुआ था, जिस जो अकाउंट आपने डाला हुआ था परचेजिंग के टाइम,
और जो नंबर से आपने रजिस्टर किया है वही नंबर आपका होना चाहिए, आप चेंज मत कीजिएगा। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अब आप इसके रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। आपको पेमेंट रिसिप्ट मिला था राइट पहले जब आपने रिजर्व किया था तो? हाँ, मुझे व्हाट्सएप के अंदर सॉरी ईमेल के अंदर रिसिप्ट मिला था और मैंने ओला वॉलेट के अंदर से यूज करा था क्योंकि मैं ओला का पुराना कस्टमर हूँ, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। यू मीन ओला मनी राइट? राइट, ओला मनी। ओके ओके, लाइन पर ही सर कर रहा हूँ। ओके, ये गुड, अच्छी बात है, आपका फोन नंबर वेरीफाइड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा रिफंड करने में। सर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मैं कैंसिलेशन करता हूँ तो आपका जो मनी है जो आपको ओला मनी में जो वापस आएगा 499 वो आपका 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है? ओके। और ये आपके उसी सोर्स में आएगा जिस सोर्स से आपने पे किया है, ऐसा नहीं कि आपके दूसरे बैंक में चला जाएगा, आपके उसी सोर्स में जाएगा जिस सोर्स से आपने पे किया, जैसे कि ओला मनी। कोई इशू नहीं है सर, मुझे कोई इशू नहीं है, जो जो ओरिजिनल सोर्स है अगर उसमें आता है मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है सर, एक मिनट, कल आप कैसा था सर? नो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओला इलेक्ट्रिक को चुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने ये जो कॉल रिकॉर्डिंग सुना है इसका क्रेडिट जाता है लाइनअप नॉलेज को जिन्होंने ये हमारे साथ शेयर किया है। और यहीं पे आपको मैं बता दूं, अब शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि आपने जिस माध्यम से पेमेंट किया होगा, अगर आपके खाते से कटा पेमेंट तो आपको खाते में ही रिफंड कर दिया जाएगा 7 से 9 दिन में, और अगर आपका ओला मनी से या वॉलेट से किसी में से कटा है तो उसी के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है। अब एक आपको और रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जिसमें मैंने बात किया है ओला के कस्टमर केयर से। जैसे कि जैसे काफ़ी लोगों का आप लोगों का कमेंट आ रहा था और मैसेज भी आया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास फ़ोन भी किए थे आप लोगों ने क्योंकि मैंने नंबर आपको अपना पब्लिश किया था कुछ पिछले वाले वीडियो में। तो अगर आपको नेक्स्ट वाले जो है कि और भी कुछ हेल्प चाहिए तो इस वीडियो में भी मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक मतलब इंस्टाग्राम का आईडी दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे, जैसा कि आप लोगों का काफ़ी लोगों का है कि 20,000 रुपये का पेमेंट कट गया है, पेमेंट फेल हो गया और आपने परचेज़ भी नहीं कर पाया और आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया है और अकाउंट में बैलेंस भी नहीं आया है। आपने काफ़ी बार ओला को ट्राई किया, मेल किया, बट वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ना ही कॉल आया है, ना ही मैसेज आया है, ना ही मेल आया है। तो अब आप ये क्लिप सुनिए और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने बात किया है मेरे एक सब्सक्राइबर, आप लोग में से ही एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपना ये प्रॉब्लम शेयर किया था, तो उनसे मेरा बात हुआ था। तो यहाँ पे जब मैंने बात किया था तो यहाँ मुझे जब एड्रेस बताना पड़ा, मैंने फ़ोन नंबर देके तो वेरीफाई कर दिया था कस्टमर को, बट यहाँ पे जब एड्रेस पूछ रहे थे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कहाँ का एड्रेस, क्योंकि मैंने इसको बुक और परचेज नहीं किया है। साथ में बता दूँ, इसमें आपको इस क्लिप में जानने को मिल जाएगा कि कैसे टेस्ट राइड आपको मिलने वाली है और टेस्ट राइड के लिए क्या कुछ लगने वाला है, और साथ ही आपको बता दूँ टेस्ट राइड भी कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए भी इसमें प्रोसेस है। तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेरी था आपसे। जी सर। हाँ जी सर, ये है कि मेरे कुछ दोस्त के उसमें से 20,000 रुपये का पेमेंट हुआ है, कट भी गया है और उनके पास कोई कंफर्मेशन मेल भी नहीं आया। उन्होंने चार पांच दिन से ट्वीट भी कर रहे पर कोई वहाँ से रिप्लाई भी नहीं आ रहा आपके साइट से। ओके, आपका उनका मोबाइल नंबर है क्या सर आपके पास, रिजर्वेशन मोबाइल नंबर? हाँ एक मिनट सर, एक मिनट दे रहा हूँ। जी जी सर, जी सर नोट कीजिए। हाँ जी सर बताइए। 9797383 3831517 7। थैंक यू सर जी। सेलेक्ट एन ऑर्डर, वो परचेस एक्टिवेट नहीं हुआ सर, तो उनको लाइक अमाउंट डिडक्ट हो गया ना सर ऑलरेडी? हाँ, अमाउंट डिडक्ट हो गया है पर परचेज नहीं हुआ, फिर से परचेज करने को बोल रहे हैं और अकाउंट में पैसा भी वापस नहीं आया है। ओके सर, वो तो लाइक 5 to 7 डेज के अंदर रिफंड हो जाएगा सर, इन केस परचेज प्रॉपर से नहीं हुआ तो। अच्छा, तो मतलब ये नहीं ना कि मतलब फिर से परचेज करना होगा? नहीं सर, नहीं सर, वो परचेस होगा तो लाइक हमको दिखा देगा सर, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको लाइक अमाउंट 5 नहीं तो लाइक 9 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा सर। अच्छा जी सर, ठीक है। और सर ये और एक ये जानना था, जैसे टेस्ट ड्राइव चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? टेस्ट ड्राइव आपका लोकेशन किधर है सर एग्जैक्ट? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में किधर है सर? सर
महाराष्ट्र में तो अभी अहमदनगर है क्या सर? अहमदनगर पल्ली करके है। ओके, अहमदनगर में लाइक 25th of October से शुरू होता है सर टैक्स पे। तब आपको इन्फॉर्मेशन लाइक हमारा वेबसाइट पे नहीं तो ओला एप्लीकेशन पे ऑप्शन आ जाएगा, उधर से आपको एक बुकिंग करना चाहिए सर टेस्ट ड्राइव के लिए, और आपको लाइक हेलमेट और वैलिड लाइसेंस चाहिए सर, और आपका वो हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब उस टाइम में ही ऑप्शन आ जाएगा बुक करने के लिए ना टेस्ट राइड के लिए? जी सर, जी सर, जी सर, और एग्जैक्ट लोकेशन पूरा आ जाएगा उधर। सिर्फ लाइक सिटी एरिया से तो आपको लाइक जो आप एड्रेस डालते हैं उधर ही आकर टेस्ट राइड दे देगा, लाइक विलेज एरिया है तो लाइक आपको सेंटर्स होगा उसका एड्रेस आपको आ जाएगा सर। उधर आपको सिर्फ एक लाइसेंस और हेलमेट लेकर जाना चाहिए सर बस। अच्छा, और ये जो बोल रहे थे सर, जैसे आप लोग बोल रहे थे होम डिलीवरी देंगे और होम पे ही आपको टेस्ट ड्राइव देंगे, वैसा कुछ नहीं हो पाएगा क्या? वैसा ही है सर, वो तो लाइक सिटी एरियाज में टेस्ट ड्राइव डिलीवरी तो किधर भी हो जाए, डिलीवरी तो हो जाएगा, बट जो टेस्ट ड्राइव है वो होम से नहीं हो पाएगा? हाँ, होम पर हो जाएगा सर, वो सिटी एरियाज में लाइक रूरल एरियाज में हो जाएगा। वो पहले आपको पिन कोड डालना पड़ेगा सर, उसका डिफरेंस ही होता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। लाइक थोड़ा लाइक रूरल एरिया से तो सेंटर ही होगा सर, सिटी एरिया से तो आपको डोर स्टेप मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, यही जानना था सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू फॉर चूजिंग ओला इलेक्ट्रिक सर, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, जिनका भी पैसा डिडक्ट हुआ है उनको 10 दिन में तक वापस आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे कस्टमर केयर ने बोला है कि 5 से 9 दिन में, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट है कि उनका जो जिनका भी कुछ भी अपडेट होता है रिफंड वगैरह, वो 10 वर्किंग डे में आएगा, जबकि उसमें से सैटरडे और संडे हटा दीजिएगा। उसके बाद जो 10 दिन होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। टेस्ट ड्राइव के लिए जो रूरल एरिया है उनको एक सेंटर बनाया जाएगा, जैसे एक गाँव वाले इलाके में एक थोड़ा सा बड़ा जो सिटी होता है, सिटी टाइप का, वहाँ पर आपको टेस्ट ड्राइव सेंटर बनाया जाएगा। वहां पे जाके आपको टेस्ट ड्राइव लेना है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है और एक हेलमेट ले जाना है। वहां से कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वहां से भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका होता है, हेलमेट भी वहां से नहीं मिलेगा, वहां से सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगा जिसको आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वहीं बात करें इसका जो डिलीवरी का, वो चीज़ है आपको जो है अभी तो पहले बता रहा था कि अक्टूबर में 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आपको डिलीवरी हो जाएगा, बट ओला ने अभी यहाँ चेंज करके बताया हुआ है 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी का अभी अपडेट आ रहा है, तो ये आपको मिलने वाला है। बाकी जो टेस्ट ड्राइव आप कैसे बुक कर सकते हैं इसके लिए ओला ऐप पर ही आपको एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप इसको ऑप्शन को क्लिक करके बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके वेबसाइट पर भी हो जाए, बट अगर वेबसाइट पर होता है तो इनका वेबसाइट का भाई ताम धाम सब खत्म हो जाता है, काम ही नहीं करता है। तो ओला ऐप पे ही ये फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ओला कैब वाला ऐप है वही है, ओल्ड है। इसमें ओला ने जो है नया ऐप कोई लॉन्च नहीं किया है परचेज करने के लिए, चाहे और भी नया कुछ काम करने के लिए, तो आपको ओल्ड वाले ओला ऐप से ही काम करना होगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपका सारा क्वेरी हो चुका होगा क्लियर। आगे कुछ भी रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि जो भी बात होता है, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो सारा लाइव रिकॉर्डिंग जो कॉल रिकॉर्डिंग करूँगा वही इस वीडियो में दिखाऊँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी उसी तरह का बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इम्पैक्ट भी अच्छा करता है और लोगों में थोड़ा सा एक भरोसा भी होता है कि हाँ भाई इन्हें बात किया है और कस्टमर केयर वाले ने ऐसा ऐसा बोला है। तो दोस्तों अभी तक तो ये वीडियो 13 मिनट का हो चुका है, मैं सोचा था इसमें 40 से 50 जो सवाल है उसका जवाब दूँ, तो लगभग ये 1 घंटा का हो जाएगा, तो ये आप भी नहीं देख पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल यही रखता हूँ, आगे वाले वीडियो में भी और भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और उसमें हो सकता है मैं आधे सवालों का जवाब कवर करूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, आपके पास भी टाइम का इशू रहता है और मेरे पास भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, और इस असुविधा के लिए खेद है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।